आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर से निकल रहा हूं और एक टूर पे। आज मैं सोच रहा हूं, अभी 3 दिन का टूर है, दुर्गा पूजा का हॉलीडेज है, तो बौद्ध जिला, सुबर्णपुर जिला और बलांगीर जिला, ये जगह तीनों को कवर करूंगा। अभी कितना मैं कामयाब हो पाता हूं वो तो 3 दिन के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये सब जगह के क्या क्या जगह हैं देखने लायक। जय जगन्नाथ। अभी निकलते हैं बौद्ध जिला की तरफ, चलिए चलते हैं। अभी टाइम हुआ है 11:30 और इसको भी मैं 0 कर दिया। आज का जो टूर है उसमें मैं राउरकेला से नरेंद्र चौक होते हुए, जांगला होते हुए बहाड़ापोसी जाऊंगा, फिर बहाड़ापोसी से बारकोट होते हुए देवगढ़ जाऊंगा। वैसे हम लोग डायरेक्ट नरेंद्र से जा सकते हैं बारकोट, लेकिन वो वाला रास्ता भी बहुत ख़राब है, अंडर रिपेयरिंग है, तो मैं थोड़ा 12 किलोमीटर वाला ज़्यादा रास्ता ले रहा हूँ। फिर देवगढ़ से मैं लेके जाऊँगा बौद्ध जिला की तरफ, और बौद्ध शहर में आज का प्रोग्राम है रात का रहने का। देखते हैं वहाँ कितने बजे पहुँचते हैं, मेरा उम्मीद तो है रात का 7-8 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते, फिर भी देखते हैं, चलिए चलते हैं। तो अभी मैं नरेंद्र चौक पहुंच चुका हूं, ये है ब्राह्मणी ब्रिज। अभी मैं बनाई जा रहा हूं ससुराल, वहां लंच करूंगा, फिर वहां से निकलूंगा देवगढ़ की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं। ससुराल पहुंच गया। अभी मैं अपने ससुराल से खाना वाना खा लिया हूं। जैसे कि आप एक देख सकते हैं, ये एक सुंदर सा पार्क है, इसको बिजू पार्क बोलते हैं, ये बनाई शहर में है, बीच में सुंदर सा शिव जी का मूर्ति है। निकल पड़ा हूं अभी देवगढ़ की तरफ। अब पहला टारगेट है प्रधानपाड़ वाटरफॉल, देखते हैं वहाँ कितने बजे पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। कितने सुंदर नज़ारे हैं, धान का खेती है, देखिए कैसे धान का खेती हुआ है, ये देख रहे हैं धान का खेती।
अभी तक धान बना नहीं है पूरी तरह से, दिसंबर लग जाएगा इसको बनते बनते। चारों तरफ धान का खेती हो रहा है, ये देखिए जहाँ जहाँ आपका नज़र जा रहा है वो सब जगह धान का खेती हो रहा है। और इधर देखिए एक सुंदर सा पहाड़, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दूर दूर तक तो पानी 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 पानी। ये एक्चुअली रेंगाली डैम रिजर्वर का बैक वाटर है, रेंगाली डैम उस तरफ है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, बहुत दूर है। और उसका पूरा रिजर्वर का पानी का पीछे वाला साइड हम लोग जो है ये है, ये ब्राह्मणी नदी के ऊपर बनाया गया है। और हम लोग अभी ब्राह्मणी ब्रिज में है, उस तरफ वाला है बारकोड, इधर वाला है बाहड़ा पोसी, उसी के बीच में मैं हूँ। देख रहे हैं कितना दूर दूर तक पानी, गजब दिख रहा है, गजब। ठीक है चलिए चलते हैं आगे। तो पहला डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, प्रधान पाट जलप्रपात पे। चलिए देखते हैं इस जलप्रपात को। चलिए पहुंच गए प्रधान पाट। तो मैं आ गया हूँ प्रधानपाट वाटरफॉल। ये देवगढ़ जिले में एक बहुत प्रसिद्ध वाटरफॉल है। वैसे देवगढ़ जिले में और दो तीन ठो वाटरफॉल है, लेकिन ये सबसे खास वाटरफॉल है। चलिए आइए देखते हैं। और यहाँ पर माँ प्रधानपाटी का मंदिर भी है, तो उन्हीं के नाम पे ये प्रधानपाट वाटरफॉल हुआ है। चलिए आइए चलते हैं। ये देखिए नाम लिखा है प्रधान पाट वाटरफॉल। वाटरफॉल का तो साउंड आ रहा ही होगा। अभी मैं आपको यहीं से थोड़ा सा झलकियाँ दिखाता हूँ। रुकिए आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, ये है, अभी हम लोग जाएंगे पूरा चढ़ाई करेंगे। ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना नहीं है, ये 50 करीब करीब सीढ़ी चढ़ना है। मैं पहले भी यहाँ 2 आ चुका हूँ। चलिए चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये माँ प्रधानपाटी का मंदिर है। ये जो एरिया है, जो ओवरफ्लो पानी है, वो इधर से निकलता है। ये है माँ प्रधानपाटी।
देखिए ये है प्रधान पाट वाटरफॉल। मैं आपको एक 360 डिग्री रोटेशन भी दिखाता हूँ। देखिए बंदर एक ठो खड़ा हो गया। मेरे तरफ देख रहा है, मतलब कौन ये बंदा क्या कर रहा है। तो प्रधान पाट वाटरफॉल घूमना हो गया। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन बौद्ध शहर की तरफ। चलिए चलते हैं। इतना सीढ़ी चढ़ने से ही पसीना निकल गया, अब क्या कर सकते हैं। चलिए तो चले चलते हैं यहाँ से। 4:20 हो गया, अब पता नहीं बौद्ध टाउन हम लोग पहुँचेंगे कितने बजे। टाइम से मैं नाइट का सोच रहा था रिकॉर्डिंग करूंगा, आखिरकार इस कैमरा में मुझे सेटिंग मिला और मैं अभी नाइट का रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अभी मैं रेड़ाखोल जंगल के अंदर से जा रहा हूं। पहुंच गया रूम में। चलो रे बाबा,
सामान रखते हैं पहले। रूम में पहुंच गया हूं। अभी रूम का एक टूर मैं आपको दे देता हूं। ये है होटल भवानी प्लाजा, बोध का जो बस स्टैंड है बस उसी के बगल में है। 300 रुपये सिंगल रूम का प्राइस है। चलिए मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। ये है बाथरूम का रास्ता, ये है बेड, ये कबर्ड दिया हुआ है सामान रखने के लिए, दर्पण, फेस देखने के लिए, टीवी भी दिया हुआ है। वैसे ज़्यादातर तो अभी मेरे टूर में टीवी का कोई यूज़ हो नहीं रहा है। ये है बाथरूम, ये देसी वाला है, ठीक ठाक है, साफ सुथरा है। 300 रुपये में तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। एक्चुअली यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है इसी बोध शहर में, मैं उससे कांटेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। बहुत साल हो गया उससे कांटेक्ट है नहीं, अगर हो जाता है तो फिर उससे मुलाकात करने जाऊँगा, फिर उसके बाद वापस आऊँगा और फिर डिनर, फिर आज का डे एंड होगा, ठीक है। तो अगर बीच में दूसरा कुछ प्रोग्राम बनता है तो ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो मेरा डिनर हो गया, क्योंकि दोस्तों के साथ मैं डिनर कर रहा था इसलिए मैं उसका वीडियोग्राफी करना पसंद नहीं किया, बोला थोड़ा पर्सनल मोमेंट उसको जाने दो। फिर भी मैं ये बता सकता हूँ कि यहीं पर बोध शहर से थोड़ी नज़दीक में किया कटा बोल के एक जगह है, वहाँ पर होटल कालिया बोल के एक जगह है, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खाना, मतलब दिल खुश हो जाएगा वैसा टेस्टी नॉन वेज खाना, चिकन का एकदम मस्त, और प्राइस भी एकदम सही सही है, कोई ज़्यादा रेट नहीं है, आप भी वहाँ जाके खा सकते हैं। लेकिन फैमिली के लिए वो नहीं है, बैचलर वैचलर के लिए ठीक है। तो अभी खाना हो गया, अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियोस को लाइक शेयर और कॉमेंट जो भी आपका हो वो ज़रूर पोस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.